हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम पहुंच चुके हैं बिहार की राजधानी पटना में और अभी हम बेली रोड में स्थित संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, जो कि पटना जू के भी नाम से जानते हैं, वहीं पे हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग अपने गाड़ी को पार्क कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर पार्किंग की बहुत अच्छी सुविधा है और आप यहाँ 4-व्हीलर, 2-व्हीलर या बस से भी आ सकते हो। आपको पार्किंग के लिए कुछ सोचना नहीं है। तो गाड़ी को हमने पार्क कर लिया है और जू में जाने से पहले हम लोग खाना खा लेंगे, क्योंकि जू के अंदर खाना बहुत महंगा होने वाला है और बाहर में बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल है खाने के लिए और बहुत सारी वैरायटी भी है खाने में। थाली, नूडल्स, छोला भटूरा, लिट्टी चोखा, आइसक्रीम, वाटर बॉटल, कोल्ड ड्रिंक्स, सब कुछ मिल जाएगा आपको बाहर में। तो हम खाने में थाली लिए हैं और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, थाली में है भुजिया, आलू परवल की सब्जी, पापड़, अचार, दाल और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में राइस है और हर थाली की कीमत है 50 रुपया। तो खाना खाने के बाद हम लोग जू की तरफ चलते हैं और जू के अंदर जाने से पहले हम लोग को टिकट लेना पड़ेगा काउंटर से। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत भीड़ है काउंटर पर। तो हम लोग टिकट लेंगे और एक टिकट की कीमत है 30 रुपया, जो कि बहुत ही कम है और बजट फ्रेंडली है। वाटर बॉटल जू के अंदर ले जाना मना है और यहाँ पे आपको वाटर बॉटल बाहर ही छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा वाटर बॉटल काउंटर के पास लगा हुआ है, तो अंदर आप नहीं ले जा सकते हो क्योंकि लोग पानी का बॉटल ले जाकर यहाँ वहाँ फेंक देते हैं जू में। तो हम जू के अंदर पहुँच चुके हैं और इस वीडियो में आपको जानवर की जितनी भी प्रजातियाँ हैं और पक्षियों की भी जितनी भी प्रजातियाँ हैं सभी को दिखाएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये देखो, भेड़िया बेचारा सोया हुआ थक के, और मोगली का फोटो आप देख सकते हो बगल में। ये रहा ब्लैक पैंथर, जो कि इधर उधर टहल रहा है। ये है जटायु, आदि पुरुष में इसी को दिखाया गया था और इसी ने रावण के साथ लड़ाई की थी। यह गिद्ध की प्रजाति है और बहुत ही जगह से यह प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये है जंगल का राजा शेर और इसको पिंजरे के बाहर रखा गया है और आप इसे खुले में देख सकते हो। ये है चीता, जो लेटा हुआ है और झरने का आनंद ले रहा है। यह है अन्नाकुंडा की प्रजाति, जो कि पेड़ से लटका हुआ है। यहाँ पे सांप की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं। यहाँ पे आपको 2 मुंह वाला सांप भी देखने को मिल जाएगा।
दो हाँ दो तो हाँ दो ये रहा बत्तख का झुंड जो दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। और यहाँ पे चमगादड़ की प्रजाति के बारे में बताया गया है, उनके इतिहास के बारे में, कैसे वो इवॉल्व किए। यहाँ पे बहुत प्रकार के उल्लू की भी प्रजातियाँ अवेलेबल हैं जो आपको देखने को मिल जाएगी। बंदर और लंगूर की बहुत सारी प्रजाति यहाँ पे है। ये देखिए कछुओं का बहुत बड़ा झुंड यहाँ पे, जहाँ पे आपको कछुओं के छोटे आकार से लेके बड़े आकार देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए वाइट मोर यहाँ पे हैं अवेलेबल। यहाँ पे आपको हिरण की संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हिरण अवेलेबल है। ये बंदर की प्रजाति है जो बहुत ही तेज होती है। ये है दरियाई घोड़ा, नहाओ ठंडे पानी में। गेंडी हो यहाँ पे बोटिंग की सुविधा अवेलेबल है, तो आप अपने दोस्तों या फैमिली के साथ आके बोटिंग कर सकते हो। यह है ब्लैक बक, जो एक हिरण की प्रजाति है और जिसके बारे में आपने न्यूज पे सुना ही होगा। तो यहाँ पे जू के अंदर वॉशरूम की सुविधा अवेलेबल है। तो यह रहा मैप जो जू के बीचों बीच लगा हुआ है, और आप इस मैप की सहायता से पता कर सकते हो कि आप अभी कहाँ पे हो और कौन कौन सा जानवर देख चुके हो और कौन कौन सा देखना बाकी है। और ये रहा गेंडा, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी चमड़ी बहुत ही सख्त होती है।
और ये रहे हाथी राजा जिसको नहलाया जा रहा है और जिन्हें खाने का टाइम हो गया है, तो अभी वो अपने घर में ही हैं। इस प्रजाति को देखिए जो बिल्कुल मगरमच्छ की तरह दिख रहा है, लेकिन इसके मुंह की तरफ गौर कीजिए जो चोंच की तरफ बना हुआ है। यह बहुत ही हिंसक प्रजाति है जो कभी भी एक जगह पर बैठती नहीं है। ये रहा जिराफ जिसको खाने के लिए बहुत ही ऊंचा बनाया गया है और जिसमें पत्ते रखे हुए हैं। हाँ देखिए, तालाब के आधे जगह को पत्तों ने छेक लिया है और इसके अंदर बोटिंग करना अलाउ नहीं है। और ये रहा हैंगिंग ब्रिज जो चलने पे हिलते रहता है। नेवला जो पिंजरे से भागा हुआ है और पत्ते के पीछे छुपा हुआ है। यह है औषधि वाटिका जहाँ पे बहुत सारी औषधि आपको देखने को मिल जाएगी। शाम के 5 बज चुके हैं और ये है चिल्ड्रन पार्क। तो चलिए देखते हैं अभी एंट्री है या नहीं है। यह है जल उद्यान जहाँ पे बैठकर आप झरने का आनंद ले सकते हो। तो यह है चिल्ड्रन पार्क और इसमें एंट्री अभी अलाउ है और यहाँ पे टिकट का प्राइस आप देख सकते हैं। एडल्ट के लिए 10 रुपये का टिकट है और बच्चों के लिए 5 रुपये का टिकट है। तो अभी ये हाफ एन आवर का टाइम है बंद होने में, तो चलिए टिकट ले लेते हैं और अंदर चलते हैं चिल्ड्रन पार्क के अंदर। तो इस चिल्ड्रन पार्क में बहुत सारे झूले हैं और आप यहाँ पर देख सकते हो एडल्ट के लिए अलग झूला है और बच्चों के लिए अलग झूले हैं। अगर आप बच्चों वाला झूला यूज़ करते हो तो 500 रुपये का फ़ाइन भी है। चलिए थोड़ी मौज मस्ती हो जाए पार्क के अंदर। बच्चों के लिए बहुत ही झूले हैं यहाँ पे, तो आप अपने बच्चों के साथ यहाँ आ सकते हो। आपको बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा ये चिल्ड्रन पार्क।
और बड़ों के लिए भी हैं थोड़े मोरे झूले जो देख सकते हो आप। और ये है मिशन इम्पॉसिबल, जो है सिर्फ साहसी बच्चों के लिए जिन्हें डर नहीं लगता है। और अगर आप चलने में असमर्थ हैं तो आप टॉय ट्रेन का यूज़ करके भी आप पूरा जू घूम सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब मैं अगली वीडियो बनाऊं तो आप उसे देख सकें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।